Hello everyone, welcome to our YouTube channel Six Eye Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is initiative to preserve tribal language and culture. तो जो initiative लिया जा रहा है preserve करने के लिए tribal language and culture को उसके बारे में हम जानेंगे. लैंग्वेज बॉक्स जो कि आपका इनिशिएटिव का नाम है इसको यूज किया जा रहा है प्रिजर्व करने के लिए ट्राइबल लैंग्वेज और कल्चर को. हम जानेंगे लैंग्वेज बॉक्स के बारे में. इट इज एन एफर्ट टू प्रिजर्व इंडेंजर ट्राइबल लैंग्वेज दैट डू नॉट हैव रिटन फॉर्म. अ लैंग्वेज बॉक्स हैज बीन इंस्टॉल्ड एट द ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु. ट्राइबल स्टूडेंट कैन पिक अप वर्ड फ्रॉम देयर लैंग्वेज राइट देम ऑन पेपर इन इंग्लिश और तमिल एंड ड्रॉप इट इन दी बॉक्स. एक ये एफर्ट है प्रिजर्व करने के लिए इंडेंजर ट्राइबल लैंग्वेज को जिसका रिटर्न फॉर्म जो है लैंग्वेज बॉक्स को इंस्टॉल किया गया है ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल पे नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के. तो कहां पे इंस्टॉल किया गया इसको किस लिए किया गया ये इंपॉर्टेंस हो जाता है. ट्राइबल स्टूडेंट जो है वो पिकअप करेंगे वर्ड्स को अपने लैंग्वेज का लिखेंगे उसको पेपर में इंग्लिश या तमिल पर ड्रॉप कर देंगे बॉक्स में. वंस इन सिक्स मंथ दी बॉक्स विल बी ओपन एंड स्टूडेंट हु कंट्रीब्यूटेड टू इट विल बी ऑनर्ड. और हर एक 6 महीना में एक बार इस बॉक्स को ओपन किया जाएगा और जो स्टूडेंट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस पे उनको ऑनर किया जाएगा. द रीडिंग एंड लैंग्वेज इज ट्राइबल मूवमेंट हैज बीन रिकॉर्डिंग फोल्क टेल्स इन द वॉइस ऑफ चिल्ड्रेन एंड ब्रॉडकास्टिंग देम ऑन अमेरिकन तमिल रेडियो फॉर द लास्ट 2 ईयर एंड सेवरल चिल्ड्रेन हैव बिकम स्टोरी टेलर इन देयर नेटिव लैंग्वेज. जो रीडिंग और लैंग्वेज ट्राइबल मूवमेंट था जिसमें रिकॉर्ड किया जाता था फोक टेल को वॉइस में चिल्ड्रेन का और ब्रॉडकास्ट किया जाता था अमेरिकन तमिल रेडियो पे लास्ट 2 ईयर से. उसके कारण बहुत सारे चिल्ड्रेन जो है वो अब स्टोरी टेलर बन गए हैं अपने नेटिव लैंग्वेज में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूथ एम्प्लॉयमेंट डिटोरिएटेड इन इंडिया आईएलओ रिपोर्ट. तो जो यूथ का एम्प्लॉयमेंट है वो डिटोरिएट हुआ है भारत में आईएलओ के रिपोर्ट में ये कहा गया है. तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हुआ है. इंडिया एक्सपीरियंस सीवियर वर्किंग आवर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉसेस इन 2020 एंड 21 एंड इंडियन यूथ एम्प्लॉयमेंट डिटोरिएटेड इन 2021 कंपेयर टू 2020 अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट रिलीज बाय इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन. तो जो आपका ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट है जिसको रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. इसके अनुसार इंडिया जो है वो सामना कर रहा है जहां पे बहुत ज्यादा वर्किंग आवर और एम्प्लॉयमेंट लॉस का नुकसान हुआ है 2020 या 2021 पे. और इंडिया का यूथ एम्प्लॉयमेंट डिटोरिएट किया है 2021 में ज्यादा अगर हम कंपेयर करें 2020 से. तो जो रिकवरी है यूथ एम्प्लॉयमेंट का ये अभी बहुत ही पीछे है ग्लोबली रिपोर्ट का मानना है. कंफर्म कर रहा है कि कोविड 19 ने हर्ट किया है यंग पीपल को बहुत ज्यादा किसी अदर एज ग्रुप के कंपेरिजन पे. इसमें क्या पाया गया है तो रोल जो था पेंडेमिक का पेंडेमिक ने वर्सन कर दिया है जो न्यूमरस लेबर मार्केट चैलेंज था जो कि फेस किया जा रहा था 15 से 24 ईयर्स के एज के पीपल के बीच में. यंग पीपल सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए है एडल्ट के कंपेरिजन पे. यंगस्टर जो है इस एज ग्रुप के उनको सामना करना पड़ रहा है हायर परसेंटेज लॉस का एम्प्लॉयमेंट में एडल्ट के कंपेरिजन में सिंस अर्ली 2020 से. तो टोटल ग्लोबल नंबर है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का वो एस्टीमेट किया जा रहा है कि वो बढ़कर 73 मिलियन हो जाएगा 2022 के लास्ट तक जो कि स्लाइटली इम्प्रूव हो रहा है 2021 से. 2021 में 75 मिलियन था लेकिन अभी भी 6 मिलियन अबव है प्री पेंडेमिक लेवल से 2019 के ये रिपोर्ट में बताया गया है. इंडिया में हम देखें तो सर्वे कंडक्टेड बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी. तो सर्वे कंडक्ट किया गया सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडिया इकोनॉमी के द्वारा. द यूथ एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेट डिक्लाइन बाय 0.9% पॉइंट ओवर द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ 2021 रिलेटिव टू इट्स वैल्यू इन 2020 वाइल इट इंक्रीज बाय 2% पॉइंट फॉर एडल्ट ओवर द सेम टाइम पीरियड. जो यूथ एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेट है यह डिक्लाइन किया है 0.9% पॉइंट फर्स्ट 9 मंथ में 2021 का अगर हम इसको कंपेयर करें इसके वैल्यू से 2020 के साथ. तो लेकिन ये इंक्रीज हुआ है 2% पॉइंट एडल्ट के लिए सेम टाइम पीरियड के लिए. द सिचुएशन इज पार्टिकुलरली सीवियर फॉर वेरी यंग पीपल एज 15 to 20 ईयर्स की रिपोर्ट से. और इस रिपोर्ट में बताया गया कि ये जो सिचुएशन है पार्टिकुलरली काफी ज्यादा सीवियर है काफी यंग पीपल के लिए जिनका एज 15 से 20 ईयर्स है. क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी. क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी की बात भी बताई गई है इंडिया के पर्सपेक्टिव में. तो कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिसेंट जॉब स्पेशली इन ग्रीन ब्लू एंड डिजिटल इकोनॉमी एंड सेट इकोनॉमी ऑन द पाथ टुवर्ड ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी इंक्लूसिवनेस एंड रेसिलेंस. कंट्री को आवश्यकता है कि वो क्रिएट करे डिसेंट जॉब को स्पेशली ग्रीन ब्लू और डिजिटल इकोनॉमी की ओर और सेट करे इकोनॉमी को ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी इंक्लूसिवनेस और रेसिलेंस की ओर एंड इक्वल एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन. जो पेंडेमिक के कारण जो अनइक्वल एक्सेस हुआ ऑनलाइन एजुकेशन का स्कूल क्लोजर लास्ट 18 मंथ एंड अमंग द 24 करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन ओनली 8% ऑफ द सच चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज एंड 23% इन अर्बन एरियाज एटिकेट एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन.
Given they depend on equal access to online resources in developing countries, children from socio-economically disadvantaged families, which are the large majority, has almost no access to education, the report said. A school जो क्लोज हुआ था लास्ट ईयर था 18 मंथ तक, उसमें 24 करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो थे उसमें सिर्फ 8% वैसे चिल्ड्रन थे रूरल एरियाज का, 23% अर्बन एरियाज के, जिनके पास एडुकेट फैसिलिटी था ऑनलाइन एजुकेशन का, यानी ह्यूज पॉपुलेशन ऐसा था जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं था एजुकेशन को उपयोग करने का ऑनलाइन. जो डीपली अनइक्वल एक्सेस हुआ ऑनलाइन रिसोर्सेज को लेकर डेवलपिंग कंट्रीज में, इस कारण जो चिल्ड्रन थे सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फैमिली के, उनको लार्जली जो मेजोरिटी थे उनके पास कोई भी एक्सेस नहीं था एजुकेशन का, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है. लेकिन ये इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के हर एक कंट्री का यही सिचुएशन था. जो डेवलप्ड कंट्री थे उनका भी यही हाल था. एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हम डिजिटली प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि यूएस जैसा डेवलप्ड कंट्री भी वो आपको सिर्फ एक पेपर में लिख के इसी तरह दे रहा है, क्योंकि आपका खो सकता है, वह मिसप्लेस हो सकता है. इस टाइप का इशू है. लर्निंग रिग्रेशन, जो लर्निंग रिग्रेशन हुआ तो ये बताया गया कि जो स्कूल क्लोजर हुआ इसने सिर्फ प्रिवेंट ही नहीं किया न्यू लर्निंग को, बल्कि जो फिनोमिनन था लर्निंग रिग्रेशन का, जिसमें चिल्ड्रन फॉरगेट कर जाते हैं जो पहले पढ़े हुए हैं, वो चीज हुआ है. इंडिया पे 92% चिल्ड्रन जो है एवरेज उन्होंने लॉस किया है एटलीस्ट एक फाउंडेशनल एबिलिटी को लैंग्वेज का, और 82% ने लॉस किया है वन फाउंडेशनल एबिलिटी को मैथमेटिक्स का, इस रिपोर्ट में बताया गया है. रोल क्या था मनरेगा का, रिपोर्ट अप्रिशिएटेड मनरेगा एंड सेड इट हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग पेड एम्प्लॉयमेंट पार्टिकुलरली फॉर वुमेन, बट ऑल्सो इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द फोकस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड वाटर ट्रीज विच प्रोवाइड एडेप्टेशन बेनिफिट. ये जो रिपोर्ट है इसने अप्रिशिएट किया है लेकिन मनरेगा के काम को, क्योंकि मैं बताया गया कि इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था पेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, और मेनली वुमेन को, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी काफी मदद किया था, क्योंकि जो ये एक्ट है मनरेगा, ये फोकस करता है नेचुरल रिसोर्स के ऊपर, जैसे कि लैंड वाटर ट्रीज के ऊपर, जो कि प्रोवाइड करता है एडेप्टेशन बेनिफिट को. लो यूथ फीमेल मार्केट पार्टिसिपेशन, जो यूथ फीमेल मार्केट पार्टिसिपेशन था वो काफी कम था. इट एडेड दैट इंडिया इज वेरी लो यूथ फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन एंड इंडियन यंग वुमेन एक्सपीरियंस लार्जर रिलेटिव इम्प्लॉयमेंट लॉस देन यंग मैन इन 2021 एंड 22. इसमें बताया गया कि इंडिया में जो है काफी कम लो यूथ फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन है, और जो इंडियन यंग वुमेन है उनको सामना करना पड़ रहा है लार्जर रिलेटिव इम्प्लॉयमेंट लॉस का यंग मैन के कंपेरिजन पे 2021 और इवन 2022 पे. हाई यूथ इम्प्लॉयमेंट लॉसेज, बहुत ज्यादा यूथ का इम्प्लॉयमेंट का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है. इन जनरल हाई यूथ इम्प्लॉयमेंट लॉसेज इन इंडिया ड्राइव अप द ग्लोबल एवरेज इम्प्लॉयमेंट लॉस, और जनरली जो हाई यूथ इम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ भारत में, इस कारण ग्लोबल एवरेज था इम्प्लॉयमेंट लॉस का वो बढ़ा है. यंग इंडियन मैन अकाउंट फॉर 16% ऑफ यंग मैन इन द ग्लोबल लेवल मार्केट, वाइल द कॉरस्पॉन्डिंग शेयर फॉर यंग इंडियन वुमेन इज जस्ट 5%, रिपोर्ट सेड. यंग इंडियन मैन जो है वो 16% है यंग मैन का ग्लोबल लेवल मार्केट का, जबकि कॉरस्पॉन्डिंग शेयर यंग इंडियन वुमेन का सिर्फ 5% है. प्राइवेट स्कूल टीचर लेस पेड, जो प्राइवेट स्कूल टीचर है उनको कम पे किया जाता है. इस स्टडी में पाया गया है कि जो टीचर है नॉन स्टेट स्कूल पे उनको ऑफन पे किया जाता है सिग्निफिकेंटली लेस, अगर हम कंपेयर करें स्टेट स्कूल के कंपैरिजन पे. तो टीचर इन लो फी प्राइवेट स्कूल इन इंडिया, केनिया, नाइजेरिया एंड पाकिस्तान आर पेड बिटवीन 1/8 and 1/2 ऑफ व्हाट देयर काउंटर पार्ट इन स्टेट सेक्टर रिसीव इज एडेड. और जो टीचर है लो फी प्राइवेट स्कूल में भारत के, केनिया के, नाइजेरिया के और पाकिस्तान के, उनको पे किया जाता है 1/8 या 1/2 जो कि उनके काउंटर पार्ट स्टेट सेक्टर में जो मिलता है उनके कंपेयर करें हम तो, यानी फीस भी उनको काफी कम दिया जाता है. हाईली इनफॉर्मल डोमेस्टिक वर्क, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल डोमेस्टिक वर्क तो है. इट एडेड दैट डोमेस्टिक वर्क इज ए हाईली इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया, वेजेस आर एक्सट्रीमली लो एंड यंग वुमेन एंड गर्ल्स आर वल्नरेबल टू अब्यूज. इसमें ऐड किया गया तो डोमेस्टिक वर्क है वो काफी ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर है भारत में, वेजेस जो है इसके लिए बहुत ही कम है, और यंग वुमेन और गर्ल्स जो है वो काफी ज्यादा वल्नरेबल है, इसका अब्यूज होता है. इस रिपोर्ट के बारे में हम जान ले, अब्यूज रिपोर्ट के बारे में. रिपोर्ट ऑफ अब्यूज सफल बाय यंग डोमेस्टिक वर्कर्स एंड कॉमन इंक्लूडिंग वर्बल एंड फिजिकल अब्यूज एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, रिपोर्ट सेड. और रिपोर्ट में बताया गया है कि जो रिपोर्ट है अब्यूज का जो कि सफर किया जाता है यंग डोमेस्टिक वर्कर के द्वारा वो काफी कॉमन है, जिसमें वर्बल और फिजिकल अब्यूज और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है. आईएलओ के बारे में हम जान लें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इट वॉज एस्टैब्लिश एज एन एजेंसी फॉर द लीग ऑफ नेशन फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर वन. इसको एस्टैब्लिश किया गया था एक लीग ऑफ नेशन के एजेंसी के तौर पर वर्ल्ड वॉर वन के बाद. एस्टैब्लिश बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सेटाइल इन 1919. एस्टैब्लिश किया गया था ट्रीटी ऑफ वर्सेटाइल के माध्यम से 1919 में. ये बन गया था आपका पहला स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन का 1946 में. इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है 1969 में. ये जो है एक लौटा ट्रिपेटाइट यूएन एजेंसी है जो कि एक साथ लाता है गवर्नमेंट, इम्प्लॉयर और वर्कर को. इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएन अपॉइंट न्यू लीडर ऑफ अनमोगिप। यूएन ने अपॉइंट किया है नए लीडर को यूएन मोगिप के लिए, तो हम जानेंगे इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन हैज अपॉइंटेड रियर एडमिरल गुलमेरो पेब्लो रायोस ऑफ अर्जेंटीना एट द हेड ऑफ मिशन एंड चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर फॉर द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन ने अपॉइंट किया है जो रियल एडमिरल गुलमेरो पेब्लो रायोस है अर्जेंटीना के, उनको हेड ऑफ मिशन और चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर के तौर पे यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए। हम जानेंगे यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर अराइव्ड इन दिस मिशन एरिया ऑन 24 जनवरी ऑफ 1949 टू सुपरवाइज द सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो पहला ग्रुप था यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर का, वो अराइव किया था मिशन एरिया पे 24 जनवरी 1949 को, और इसने सुपरवाइज किया था सीज फायर किया जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो इंडियन स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर का वहां पे। दिस ऑब्जर्वर अंडर द कमांड ऑफ मिलिट्री एडवाइजर अपॉइंटेड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये जो ऑब्जर्वर है कमांड पे मिलिट्री एडवाइजर के, जिनको अपॉइंट किया जाता है यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा, ये फॉर्म करता है न्यूक्लियस को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए। फंक्शन क्या है इसका, तो फॉलोइंग रिन्यूड हॉस्टिलिटी ऑफ 1971 यूएन एमओजीआईपी यूएन मोगिप द रिमेंट इन द एरिया टू ऑब्जर्व डेवलपमेंट परटेनिंग टू द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द सीज फायर ऑफ 17 दिसंबर 1971 एंड रिपोर्ट देयर ऑन टू द यूएन सेक्रेटरी जनरल। फॉलो करते हुए रिन्यूड हॉस्टिलिटी को 1971 का, यूएन मोगिप जो है वो रिमेन रहता है इस एरिया पे है, वो ऑब्जर्व करता है डेवलपमेंट को जो कि स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस और सीज फायर का 17 दिसंबर 1971 के बाद, और रिपोर्ट करते हैं इसके बारे में यूएन सेक्रेटरी जनरल को। कराची अग्रीमेंट ऑफ जुलाई 1949 फॉर्म्ड अप द रोल ऑफ यूएन लेवल मिलिट्री ऑब्जर्वर एंड परमिटेड सुपरविजन ऑफ सीज फायर लाइन एस्टेब्लिशमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। और जो कराची अग्रीमेंट है जुलाई 1949 का, जिसको फॉर्म किया गया था यूएन लेवल मिलिट्री ऑब्जर्वर के तौर पे और परमिट किया गया था सुपरवाइजर के तौर पे सीज लाइन जिसको कि एस्टेब्लिश किया गया था जम्मू एंड कश्मीर पे, इंडिया कंटेंशन विथ यूएन मोगिप। इंडिया का जो कंटेंशन है, इंडिया हैज नॉट ऑफिशियली गोन टू द यूएन मोगिप सिंस 1972 विच कंप्लेन्स अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया जो ऑफिशियली नहीं गया है यूएन मोगिप के खिलाफ 1972 के बाद से, जो कि कंप्लेन करता है पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया ऑफिशियली मेंटेन दैट यूएन मोगिप रोल वाज ओवरटेकन बाय द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 दैट एस्टैब्लिश्ड द लाइन ऑफ कंट्रोल और द एलओसी। इंडिया ऑफिशियली मेंटेन करता है जो यूएन मोगिप का रोल है इसको ओवरटेक कर लिया गया था शिमला एग्रीमेंट के द्वारा 1972 का, जिसके माध्यम से एस्टैब्लिश किया गया था लाइन ऑफ कंट्रोल और एलओसी को। ये जो है माइनर डेविएशन है जो कि फॉलो किया गया था अर्लियर सीज फायर लाइन को लेकर उसमें से। पाकिस्तान हाउएवर डिड नॉट एक्सेप्ट द इंडियन आर्ग्यूमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू सिख कॉपरेशन फ्रॉम द यूएन मोगिप। पाकिस्तान जो है लेकिन नहीं एक्सेप्ट करता इंडिया के आर्ग्यूमेंट को, और वो कंटिन्यू करता है कि कॉपरेशन होना चाहिए यूएन मोगिप के लिए। इस कारण जो डाइवर्जन पॉलिसी है पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यू कंप्लेन करता है यूएन मोगिप के पास अगेंस्ट एलिज इंडिया के सीज फायर वायलेशन को लेकर। सब्सटेंशिएशन ऑफ इंडिया स्टैंड, जो सब्सटेंशिएशन है इंडिया के स्टैंड को लेकर, जब से शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 का, उसके बाद से इंडिया ने अडॉप्ट किया एक नॉन रिकॉग्निशन पॉलिसी को थर्ड पार्टी का बायलेटरल एक्सचेंज को लेकर पाकिस्तान के साथ ओवर क्वेश्चन को लेकर जम्मू एंड कश्मीर का, कि इंडिया का मानना है जम्मू एंड कश्मीर का इश्यू इंडिया और पाकिस्तान का बायलेटरल इश्यू, इसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। कश्मीर और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो है वो लार्जली एक इंटरनल मैटर है भारत का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम। हम जानेंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में, जो बैंक सेविंग और इंश्योर जिसको किया जाता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम के DICGC एक्ट के माध्यम से। इसमें फुल कवरेज रहता है 98% बैंक अकाउंट का। इसके पहले जो अकाउंट होल्डर थे उनको वेट करना पड़ता था इयर्स तक का, ताकि लिक्विडेशन हो और रिस्ट्योर किया जाए डिस्ट्रेस लेंडर को और उनका डिपॉजिट मिले डिफॉल्ट के खिलाफ। लेकिन लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा दिया, इंश्योर अमाउंट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। इसके पहले जो DICGC है उन्होंने रिवाइज किया था डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को, 1 लाख किया था May 1, 1993 पे 30,000 से बढ़ा के, जो कि 1980 के बाद से यही चल रहा था, और अब उनको फिर से बढ़ा के आपका 5 लाख कर दिया गया है। ये क्या करता है, कवर करते हैं अगर लॉस होता है बैंक डिफॉल्ट होता है तो उस दौरान। ये जो न्यू चेंजेस है, तो इसके पहले जो अमाउंट डिपॉजिट था बैंक में वो सिर्फ 50,000 तक का गारंटी था, उसके बाद इसको बढ़ाकर 1 लाख किया गया। समझते हुए चिंता का पुअर को जो कॉन्सर्न है मिडिल क्लास का, इसको बढ़ाकर 5 लाख किया गया कि अगर बैंक वीक है और इवन डाउट है कि वो बैंकक्रप्ट हो सकता है तो डिपॉजिटर को उनका मनी मिलेगा 5 लाख तक का 90 डेज के अंदर ही। चीट फंड क्या है, तो अभी हाल ही में जो रेट था GST का चीट फंड को लेकर इसको बढ़ा दिया गया है, पहले 12% था अब इसको 18% कर दिया गया है। इसके कारण जो बोरोइंग कॉस्ट या बेनिफिट होगा चीट फंड का वो मिलेगा।
अबाउट चीट फंड, चीट फंड के बारे में हम जान ले। तो चीट फंड आपका एक क्लोज इंडेड ग्रुप है जो कि लेंडिंग स्कीम होता है। इसको चीट फंड इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसका उपयोग किया जाता है लिखने के लिए बिड अमाउंट को, जिसको कि हम चीट कहते हैं। स्टेटस इसका क्या है, ये नहीं आता है ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आरबीआई के, लेकिन ये एक लीगल एंटिटी है जिसको रजिस्टर किया गया है, रेगुलेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चीट फंड एक्ट 1982 के माध्यम से। ये फंक्शन कैसे करता है, तो हर एक मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं अपने शेयर को इसके पुल पे, जो कि एक फिक्स सम होता है, और लमसम अमाउंट दिया जाता है किसी एक को, जो एक या दो को जो जीतते हैं बिड को, और जिनको जरूरत होता है उनको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता है। चीट फंड जो है वो इंडियन वर्सन है रोटेटिंग सेविंग और क्रेडिट एसोसिएशन को, जिसको कि फाउंड किया गया था ग्लोब के लिए, उसका ये एक वर्सन है। बेनिफिट इसका क्या है, तो जो क्लोज ग्रुप है जिसको कि हम नॉन मेंबर कहते हैं वो डिफॉल्ट कर जाते हैं हाईली, बहुत ज्यादा चांस है। चीट फंड जो है आपका एक यूनिक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडिविजुअल सेवर लेंडर करते हैं बोरोवर के तौर पे, प्रोवाइड करता है एक चीपर मनी इमरजेंसी के दौरान, जो क्रेडिट होता है इनफॉर्मल वर्कर के लिए। प्रोफेशनल चीट फंड जो है वो सर्व किया जाता है कि एक सेगमेंट है इंडियन पॉपुलेशन के लिए जिनके पास स्टेबल इनकम स्ट्रीम नहीं है, एक प्रूफ है रेगुलर इनकम का या कलेक्टरल का। पोंजी स्कीम के बारे में भी हम समझ ले। पोंजी स्कीम एक फॉर्म है फ्रॉड का जो कि लर करता है, अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर को और पे करता है प्रॉफिट पहले के इन्वेस्टमेंट के दौरान, जिसमें फंड जो होता है काफी ज्यादा रिसेंट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। ये जो स्कीम है इसके कई सारे विक्टिम हुए हैं। ये माना जाता है कि जो प्रॉफिट इस प्रोडक्ट का होता है सेल करके अदर मीन्स के माध्यम से, वो अनअवेयर होता है इसके कारण, और इन्वेस्टर का सोर्स ऑफ फंड जो है वो डूबता है। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 का जो था इसने बैन कर दिया सारे अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को, अदर देन जो डिपॉजिट किया जाता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को छोड़कर, और जो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को डिपॉजिटर को छोड़कर, उसको छोड़कर सबको बैन कर दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर अवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।